एक नया अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि मेरा कंपनी के अंदर आया है। बहुत बड़ा वैकेंसी है, ह्यूज वैकेंसी है, ह्यूज वैकेंसी डेफिनेटली आपका हायर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कंपनी में काम करना तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल गौतम ग्लीस। टुडे इन दिस वीडियो हम बताने वाले हैं एक नए अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि मेरा कंपनी के अंदर आया है। बहुत बड़ा वैकेंसी है, ह्यूज वैकेंसी है, तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपका हायर होने का चांसेस, सिलेक्टेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, देखिए अभी मैं कंसेंट्रिक्स में काम कर रहा हूँ, लगभग 5 से 6 महीना हो गया होगा। तो एज पर माई एक्सपीरियंस हम लगन से हमारा एफर्ट इसलिए देते हैं ताकि सैलरी के साथ साथ डेजिग्नेशन में कुछ चेंजेस आए। हम हमारा सारा 9 घंटा 8 घंटा इसमें देते हैं, कंपनी में देते हैं ताकि हमारा करियर में कुछ इफेक्ट आए। पर ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि राइट कंपनी चूज करना। तो आज पर माई एक्सपीरियंस मैं बहुत सारे कंपनी में काम कर चुका, मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि अगर आप इसी कंपनी के साथ काम करते हैं, इसी कंपनी में अगर आप अच्छा करियर ढूंढते हैं तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा, बट आपका लगन उसी तरीके से होना। तो गाइस अभी जो हमारे कंपनी की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है, कंसेंट्रिक जो कंपनी है ये कंप्लीटली BPO इंडस्ट्री है। तो आज पर माई एक्सपीरियंस, सो आई रिकमेंड यू इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन इन BPO इंडस्ट्री देन यू कैन। तो जॉब टाइटल हो सकता है वॉइस, हो सकता है नॉन वॉइस, हो सकता है टेक्निकल भी हो सकता है। वॉइस में बेसिकली हमको कस्टमर सपोर्ट का काम करना पड़ता है, जिसमें हमको कस्टमर का क्वारीज रिजोल्व करना पड़ता है एज पर द क्वारीज वी आर गेटिंग फ्रॉम द कस्टमर। और नॉन वॉइस ये हो गया कि अगर आप कोई चार्ट प्रोसेस समझ लो, अगर फिलहाल कोई डेटा प्रोसेसिंग का काम समझ लो, काइंड ऑफ डेटा एंट्री भी समझ सकते हो, तो ये हो गया नॉन वॉइस में। और हो सकता है टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट में आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ट्रबल शूटिंग वगैरह लैपटॉप में इधर उधर टेक्निकल का काम है। ओके, तो तीनों आपके पास ऑप्शंस रहेगा, वॉइस, नॉन वॉइस, टेक्निकल। अगर आपका इंग्लिश में बहुत कमांड अच्छा है, रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो आप नॉन वॉइस में जाइए। अगर आपका वॉइस में बहुत अच्छा है, लाइक यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, we are comfortable in English, then definitely can go for the voice process. अगर आप इन दोनों चीज़ में proficient हो in terms of verbally and written, तो definitely आप technical के हिसाब से जाइए, क्योंकि technical में technical support में ज़्यादा salary मिलता है और ज़्यादा आपको अच्छा comfortable life ही मिल जाता है उसमें। तो ये हो गया, job title बता दिया। qualification क्या होना चाहिए? देखिए कंसेंट्रिक्स एक बहुत बड़ी MNC कंपनी है, बहुत रेपुटेड, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स फॉलोअप करना पड़ता है एज पर द कंपनी नर्म्स। सो अगर आपके पास 12th है देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, बट देर आर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आपके पास 12th और ग्रेजुएट है एंड अबव, देन यू कैन अप्लाई। स्किल सेट बारे में बात कर लिया कि अगर आप इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, देन यू कैन। बट अगर आपके पास लिटिल बिट इंग्लिश भी आता है, आप काम चला लेते हो, देन डेफिनेटली कुछ अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने में कोई पैसा नहीं लगता है, अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है बाय गॉड के आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखिए हमारे कंपनी में ऐसे भी बंदे हैं, मेरे साथ मेरा कॉलेज आप मान सकते हो, तो उनका इंग्लिश आता अच्छा नहीं है। इवन मैं भी जो इनिशियली काम कर रहा था, इंग्लिश अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे हो जाता है। अगर हम उसी कंपनी में, उसी इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कैसे बताएंगे, कैसे बोल पाएंगे हम, राइट? तो हमको आप इंटरव्यू देते जाइए। तो हम नेक्स्ट पार्ट आ गया सैलरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। डोमेस्टिक में जो सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली कंपनी है वो कंसेंट्रिक्स है। अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस में सिलेक्ट होते हो, अब आपका पैकेज लगभग चला जाएगा 22.5 LPA, यानी कि आपका इनहैंड आ जाएगा 18-19-20 तक आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोसेस में। बट अगर आप इंटरनेशनल में सिलेक्ट हो जाते हो, ये कंसिडर करके चल सकते हो कि तुमको 27-28 इनहैंड मिल जाएगा। ओके, बट इंटरनेशनल में यू शुड बी कंसिडर दैट यू हैव टू अटेंड नाइट शिफ्ट। तो हम बात करते हैं लोकेशन का। देखिए लोकेशन जो रहेगा, मेरा प्रिफरेबल लोकेशन है कालकाटा, क्योंकि मैं कालकाटा ब्रांच में काम कर रहा हूँ, तो कालकाटा में भी हायरिंग चल रहा है। बट मैं जो लिंक आपको दूंगा अप्लाई करने के लिए, तो उसमें बहुत सारा लोकेशन रहता है, तो आपका आपका जो कन्वीनियंस के हिसाब से आप आपका लोकेशन दे सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरा बहुत अर्जेंट जॉब चाहिए, मुझे बहुत नीड है इसका, तो डेफिनेटली आप कालकाटा ब्रांच ही चूज़ कीजिए, क्योंकि मैं कालकाटा ब्रांच से काम कर रहा हूँ तो इसका हायरिंग बहुत ज़्यादा है। ओके, ह्यूज वैकेंसी यहाँ पे चल रहा है, तो अगर आप कालकाटा ब्रांच देते हैं तो यहाँ पे आपको आपका जो हायरिंग होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा है।
अगर आप लिटिल बिट इंग्लिश बोल लेते हो एंड यू वांट टू लाइक डेवलप, यू वांट टू मेक योर करियर इन बीपीओ इंडस्ट्री एक अच्छा कंपनी के साथ। ये हो गया लोकेशन। प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ। देखिए, अगर कोई बीपीओ इंडस्ट्री में काम करते हैं डोमेस्टिक प्रोसेस में, इसमें 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, लॉगिन आवर देना पड़ता है, उसके अलावा 1 घंटा ब्रेक में चला जाता है, तो ऑल टुगेदर आपको 9 घंटा काम करना पड़ता है। और हफ्ते में एक छुट्टी मिल जाएगा, रोटेशनल वीक आपको भी मिल सकता है, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा छुट्टी मिलता है, तो कुल मिला के 1 महीने में आपको मिलता है 4 से 6 छुट्टियाँ। सैलरी ऑन टाइम पे मिलता है, कंसेंट्रिक्स में मैं खुद ही काम कर रहा हूँ तो सैलरी में कोई इशू नहीं होगा, इन फ्यूचर करियर बनाने में कोई भी इशू नहीं होगा। अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा, ओके। तो इस लिंक में जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद नीचे एक आएगा कि स्टार्ट असेसमेंट और असेसमेंट लेटर आएगा, तो असेसमेंट देने का फुल्ली वीडियो मैं एक बना दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो बना दूंगा, तो इसको देखिए, पहले देखे ये एक असेसमेंट कंप्लीट कीजिए, ओके। ये कंप्लीट ऑनलाइन असेसमेंट है, असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपके जो कंपनी के एचआर है, एचआर की तरफ से आपको कॉल जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है, डेफिनेटली कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड, वो एचआर की तरफ से बताया दिया जाएगा। अभी आपका काम ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जो लिंक मैंने दिया हूँ अप्लाई करने के लिए, उसी लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स को फिलअप कीजिए, करने के बाद असेसमेंट दीजिए। असेसमेंट सही से होना चाहिए, बट असेसमेंट देने से पहले माई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ मेरा जो बाद वाला वीडियो को असेसमेंट कैसे देते हैं उसका वीडियो को एक बार देख लीजिए, ओके। असेसमेंट में ज़रा से भी गलती हुआ तो डेफिनेटली वहीं से तुम्हारा कट ऑफ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट फ्यूचर।